हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। राउस केयर इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। एंड आने वाली छठ पूजा जो बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग सबसे पवित्र एक त्यौहार मानते हैं, अभी से राउस इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। चलिएगा बात करते हैं यार, अब कुछ चेंजेस जिस तरह से CUET एग्जाम्स कंडक्ट करवाना और जिस तरह से UGC ने सिलेबस या नई एजुकेशन पॉलिसी लाना, तब से ही एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था नेट एग्जाम या ICER के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका पैटर्न। BSc एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम MSc की बात करें, चाहे PhD की बात करें, तो आज किसकी बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं हम एग्रोफॉरेस्ट्री नेट एग्जाम या ASR नेट। अभी जो चेंजेस किए हैं ICER ने, जनरली बात करें तो एक बेसिक यूनिट के अंदर 50% कंटेंट और जोड़ दिया, और जो कि मुझे लगता था, पर्सनली लगता था यार जोड़ना चाहिए था, मुझे अभी भी लगता है कि और जोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करें और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का बोलबाला ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर पूछोगे, हमेशा क्वेश्चन पूछते हो क्रॉप रिलेटेड और बेसिकली एला क्रॉपिंग या एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड क्रॉप जो डिफरेंट डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन और क्लाइमेटिकल जोन से रिलेशन रखते हैं, सॉयल से रिलेशन रखते हैं। लेकिन इस बार अभी ICER ने कनेक्ट कर दिया, वही ऑलरेडी ASRB नेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ने भी अपडेट दे दिया है। लेकिन 2-4 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा नेट का भी, क्योंकि इसी का इंतजार था कि कब 6 डीन कमेटी ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिलेबस चेंज करती है, फिर ASRB का जो नेट सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस करती है, कुछ चेंजेस अब ZRF में भी देखने को मिलेंगे। तो इसने एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड कर दिया, पहले इसमें ज्यादा वेटेज नहीं था। तो पहले तो मैं वो चीज पे फोकस करूंगा जो चेंज क्या किया है, बाकी आप अपनी एप्लीकेशन पे जाके जो ये कंटेंट है पूरा PDF आपको न्यू भी मिल जाएगा और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये भी मिल जाएगा, ज्यादा लेंदी नहीं लेंगे। इसके साथ साथ में ही नेट जो क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी हम यार यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप टेक्निकल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट रेंजर बनना जा रहे हैं, तमाम पोस्ट है, आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं, आप लॉयर बनने जा रहे हैं, आप जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, तमाम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पोस्ट है, सभी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी एंड पैटर्न सब कुछ हम बात करेंगे। एक तोहफा आप लोगों के लिए इस नवरात्रि 3 डेज के लिए सभी कोर्सेज के ऊपर पहले से ऑलरेडी 40-50% ऑफ था, हमने प्लस NR नवरात्रि NR नवरात्रि 25 आप कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको एडिशनल 25% ऑफ मिलेगा। जो कोर्स 12,000 का, बच्चे बहुत बार बोलते सर आप इतना महंगा कोर्स यार एग्रोफॉरेस्ट्री में नेट और ZRF या किसी भी स्ट्रीम का नेट और ZRF करवाने के लिए 3 टीचर चाहिए होते हैं। मुझे पर्सनली, मैं जानता हूं एक स्टेटिक्स अलग है, जेनेटिक्स अलग है, फॉरेस्ट मैंचुरेशन अलग है, सोयल अलग है, वीड मैनेजमेंट अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, तो यार तमाम बेसिक अलग है, हिस्ट्री अलग है, कोई कैंडिडेट कैसे पढ़ा सकता है? मैं ZRF और नेट एग्रोफॉरेस्ट्री मैं नहीं पढ़ा सकता यार, मैं PhD एंट्रेंस हर साल आपके लिए देता हूँ, नेट हर साल आपके लिए देता हूँ। मैं जब PhD के लिए यहाँ ज्ञान देने आया हूँ तो पहले मैं क्रैक करके बताऊँ तब आपको दे सकता हूँ। मेरा हमेशा NABARD पेपर लेने के लिए कि बच्चों का मेन का पेपर कैसा आता है, प्रीलिम्स, उसके बाद मेन में जाना, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया। आज मेरा ये लेवल है कि मुझे, मैं आप लोगों का प्री देके मेन के बाद में मेन का पेपर तक मैं पहुंचूं और
आप लोगों का लिए, क्योंकि इंटरव्यू अभी मुझे जरूरत है नहीं, मैं खुद सेमिनार्स करवाता हूँ, ऑलमोस्ट 100+ यूनिवर्सिटी में मैं सेमिनार करवा चुका हूँ, तो अब तो वो लेवल हो चुका है, बच्चों का प्रिपरेशन हम इंटरव्यू के लिए करवाते हैं। बात कर लेते हैं आज यार कौन कौन सा रिवाइज सिलेबस है उसकी बात करेंगे, क्लासेस है और आपकी चल रही है उसकी बात करेंगे। तो पहले फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर के स्टूडेंट जो है उनके लिए, तो वेलकम अगेन करना चाहूंगा इस बार ZRF नेट PhD एंट्रेंस ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर इन CUET ऑल्सो, तो अभी भी हमारा वही टारगेट है। मैं उसी बात पे आ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए कुछ कोर्सेज की प्राइसेस बच्चा अपने आप हाई रखनी पड़ती है, वहाँ बचत नहीं होती, वहाँ से टॉपर के चांसेस होते हैं, इसलिए इन कोर्सेज को चलाना पड़ता है। नहीं कोई नहीं चलाता इतना बड़ा, चलाएगा कोई अकेला अगर बैठा हुआ है तो चला रहा हूं मैं नेट चला, अकेला आदमी कैसे पॉसिबल है यार। इसीलिए माफी चाहूंगा मैं ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी देने की गारंटी मैं देता हूं। बात कर लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री ZRF का, तो आप इस कोर्सेज के अभाव भी या आपको ऑलमोस्ट 7,000 कुछ का पड़ेगा, आप जाके अवेल कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल 8949845433 पे जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएंगी, वहां से भी आप डायरेक्ट भी अवेल कर सकते हैं, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री नेट का हो। वैलिडिटी भी हमने इस बार इंक्रीज कर दी, जो कि ऑलमोस्ट आपका लाइव क्लासेस होंगी, ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन होती है हमारी सभी क्लासेस, आराम से स्लोली पढ़ाया जाता है, डेप्थ में जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल में पढ़ाने वाले सारे ZRF और नेट मिनिमम 5। आप लोग की तो बात ना करें, है ना, मैं कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे फिर भी एक या दो ही ऐसे कोई हमारे पास मेंटर ऐसा है जो एक या दो नेट एग्जाम या ZRF टॉपर है, नेट एग्जाम की बात कर लूँ, लेकिन ZRF आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में है ना एक के पास 0++ करते जाओ तब भी आपका कम पड़ जाएगा। चलिएगा, क्लासेस नोट चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा, इवन थोड़ा डिले है, टाइम टेकिंग है, बट आपको बुक्स भी एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रॉपर एक बुक आपको थ्योरी और एक बुक ऑब्जेक्टिव वाइज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर वो बच्चा पढ़ लेगा उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए, यह टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझने के लिए जरूर आपको हेल्प लेनी होगी। अभी रिसेंटली ICR ने चेंजेस कर दिया, कुछ अपडेट दिए हैं, जैसे एक होता है रिसर्च साइंटिस्ट या साइंटिस्ट, जो पोस्ट हमेशा PhD के बाद में निकलती है, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट यही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता, जिसको हम ASR कहते हैं, है ना, जिस तरह से हम IAS कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे यहाँ पे ARS, सॉरी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेम एस ARS कहते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं, प्लस नेट का दोनों का सिलेबस चेंज कर दिया है। अब रिसेंटली जो पोस्ट आने वाली, देखिए अभी कल की पोस्ट है 8 अक्टूबर की, है ना, तो अब रिसेंटली नोटिफिकेशन आने वाला है। जो बच्चे कह रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अब जस्ट आ जाएगा, 100% एग्जाम दिसंबर में होगा, आप अपने आप को फोकस्ड कीजिए। चलिएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो बच्चा एग्रो फॉरेस्ट्री से MSc करना चाहता है या नेट देना चाहता है, MSc तो कर लिया, क्या नेट देना चाहता है, वो तब दे सकता है जब मास्टर इन एग्रो फॉरेस्ट्री हो, उसकी मास्टर MSc इन फॉरेस्ट्री हो, एग्रोनॉमी हो, होटी हो, बोटनी हो, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी हो, ट्री इंप्रूवमेंट हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, इन तमाम इनके अंदर अगर उसका MSc है तब वो एग्रो फॉरेस्ट्री दे सकता है। मैं ऐसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर हमारा BSc बॉटनी था, अब हमने एग्रो फॉरेस्ट्री दे लिया, हम MSc हो गए, मैं नेट क्वालिफाई कर जाऊंगा, बट क्या मैं साइंटिस्ट और प्रोफेसर के लिए ऐसा तो नहीं कि मैं 100% एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। देखिए बच्चा, पहली चीज तो आप स्ट्रीम चेंज मत कीजिए, है ना, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप एग्रीकल्चर को तो एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाओ, बोटनी में प्लांट को, फॉरेस्ट्री को नहीं डिफाइन किया जाता, फिर वो सोचते हैं, फिर बच्चा गलती कर देता है, PhD में अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है। तो यार जब आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो वो भी चाहते हैं कि 5-6 साल से कंटिन्यू आप वही पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, एनवायरमेंट वाला फॉरेस्ट्री थोड़ा बहुत देखता है, फॉरेस्ट्री वाला जरूर एनवायरमेंट पूरा पढ़ता है, एग्रीकल्चर वाला एनवायरमेंट पढ़ता है,
तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो को रिलेट करते हैं वो बेस्ट हो सकते हैं, है ना। एक बच्चा मेरे पास में अभी ऑनलाइन में है, और उस बच्चे का भी कंसर्न सर बॉटनी से में है, और मैंने फिर क्या कर लिया, एग्रो फॉरेस्ट्री ले लिया। जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री की फॉरेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई, उसमें बोला जी यूजी भी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए और पीसीपी। हाँ ये कहें 10 to 20% यूनिवर्सिटी प्रॉपर डिनाई कर देती है कि हमें तो कंप्लीटली फॉरेस्ट्री वाला ही चाहिए, या सर रिलेवेंट चाहिए, है ना। बॉटनी में आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो इन डेप्थ, जो है ना मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, फंक्शंस हो गए, है ना, केमिस्ट्री हो गया, बट फॉरेस्ट्री डिफरेंट है। वहाँ सोयल हो गया, डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं, क्लाइमेट हो गया, इन डेप्थ वो चीजें और हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है ना। मैं आपको पीजी पीएचडी के लिए रिकमेंड करूंगा। अब आप फॉरेस्ट्री हो तो फॉरेस्ट्री से मत रखिएगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। फॉरेस्ट्री हो तो फॉरेस्ट्री से कर लो, सिल्वीकल्चर से कर लो, वो चलता है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन से कर लो, एग्रो फॉरेस्ट्री से कर लो, फॉरेस्ट्री वाला एग्रो फॉरेस्ट्री जा सकता है। और कोई डाउट हो तो आप यार कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, और मैं जनरली कहूँ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, ये सभी लोग एग्रो फॉरेस्ट्री वाला, एग्रो फॉरेस्ट्री कोई एमएससी है, कौन एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री है सर वो बंदा, और कौन कौन सी नेट एग्जाम को दे सकता है, तो ये खेल उसका है। वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नेट एग्जाम दे सकता है, वो एनवायरमेंट साइंस नेट एग्जाम दे सकता है। बट पॉइंट है बच्चा, नेट एग्जाम एग्रीकल्चर का 2 ही दिन होती है, अगर सेम डे पेपर आ गया ना तब नहीं दे पाता। ये कहूंगा ये एनवायरमेंट साइंस इजी है, तो ये भी आप साथ में फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जब प्रोफेसर के लिए जाओगे तब कहेंगे फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में क्यों नहीं किया आपने, अपने स्ट्रीम में कीजिए। तब दिखाना हो क्वालिफिकेशन कहीं चाहिए तब आप किसी भी सब्जेक्ट में कर लो, यूजीसी नेट हर साल आता है उसमें कर लो, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग होता है उसमें कर सकते, दिखाने के लिए नहीं जाना। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम, दैट इज सिलेबस, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, वही जो आपका ऑलमोस्ट मैंने सिलेबस ये आपका करवा भी दिया, क्लासिफिकेशन है ना, फॉरेस्ट एक्ट एंड ऑल दिस मैंने करवा भी दिया, ठीक है। तो ये जनरली, और आपकी अभी क्लास चल भी रही है स्टेटिक्स की क्लास चल रही है, जो कि आपका प्रॉपर एक यूनिट है, जेनेटिक्स और ब्रीडिंग वाला जो सीड वाला, और वो क्लासेस चल रही है ना, एक मॉर्निंग आपकी 7 o'clock चल रही है और एक इवनिंग 7 o'clock चल रही है, ठीक है। बाकी प्रॉपर ये हम मैं जल्दी आपका कवर करवाता रहूंगा। ऑलमोस्ट मेरे 50+ लेक्चर्स हो भी चुके, जो स्टूडेंट अभी इनरोल करना चाहेगा उसको रिकॉर्डेड जो जो लेक्चर हो जाता है, जैसे आज लेक्चर होगा वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और आगे आप लाइव ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज कॉमन बात। अब बात कर लेते हैं बच्चा चेंज क्या हुआ है यूनिट नंबर 2, जो कि डेफिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां पे सोशल फॉरेस्ट्री एंड ऑल है, ठीक है बच्चा, है ना, ठीक है। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, जनरली मैं आपको बता देता हूँ जो ये किसके बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, रिलेवेंट के बारे में, डायग्नोस के बारे में बताता है, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है, मल्टीपर्पज ट्री के बारे में पूछता है। लेकिन बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने जिस तरीके से करवाया हर लाइन में आपको हर यूनिट में मिलेगा रिलेट टू इकोलॉजी, रिलेट टू एनवायरनमेंट। अब आप सोचो, आप है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब जनरली सर एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, इतना सा 30 मिनट में हो जाता है, आपने दो दो क्लासेस ले ली, अरे मैं क्यों उसमें खड़ा होकर बेवजह लेक्चर दूंगा, 10 मिनट में करवाऊंगा, कोई 30 में करवाता है तो उतना ही डिलीवर, मैं तो वैसे ही फास्ट बोलता हूँ। अभी तो ये मेरा है ना ऑलमोस्ट 7, 6 या 7 लेक्चर है, तो स्लो बोल रहा हूँ मैं, तो मैं और भी जल्दी, लेकिन एक्चुअल में क्या आना है, पूछता किस तरीके से है, और अब क्या पूछने के चांसेस हैं, सब कुछ वो बेस है यार, उसमें टाइम लग जाता है। तो दैट इज द, हर जगह आपको वही रिलेवेंट मिलेगा। बात कर लेते हैं हम किसकी, चेंज क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है बच्चा, पूरा यूनिट 2 यूनिट का पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल सीप गोट, एग्रोफोरेस्ट्री का पार्ट है ना, एग्री या सिल्वी पास्चरल का पार्ट है ना यार ये, तो इसलिए देगा जाए, इसी बात है, वेरियस एग्रो क्लाइमेटिकल जोन से रिलेवेंट चाहिए, कौन से एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में किस टाइप का हम प्लांट लगाएंगे, फॉरेस्ट्री लगाएं, साथ साथ में एनिमल भी रखें, कौन सा एनिमल सुटेबल है, तो एज पर द एग्रो क्लाइमेटिकल जोन आपसे पूछ रहा है, हमेशा पूछता है उसमें बात क्या होगी, इसलिए तो टाइम लगा मुझे, ये तो अब दिया है, रिलेवेंट किया है, मैं तो आपका 3 एक लेक्चर को मैं 3 लेक्चर में करवा रहा हूं,
और हर जगह टाइप ऑफ सॉइल, प्लांट कौन सा होता है, हर टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट इज द रीजन यहां पे चॉइस ऑफ स्पेसीज एग्रो क्लाइमेटिकल जोन के अकॉर्डिंग बताओ। फिर आ गया फ्रूट क्रॉप और स्मॉल टिम्बर, हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट जहां पे एप्पल, वेलनट है ना, जैक फ्रूट, मैंगो, सेपोटा, इंटरक्रॉपिंग फ्रूट्स वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिट्रस, ऑरेंज, मतलब हॉर्टिकल्चर, और रिलेवेंट टू किससे रिलेवेंट होना चाहिए, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, प्लांट कौन सा होगा। अभी आपको प्रॉपर रिपोर्ट दूंगा जो गवर्नमेंट ने अभी, मतलब दूसरे सेशन में आपको यूट्यूब पे भी डालेंगे, बाकी ऐप पे तो मिलेगा ही। तो जितने भी डिजीज जो कॉमन अभी रिपोर्ट निकाली गई है जहां से रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और जितने भी पब्लिकेशन निकाले गए हैं वो सब कुछ मिलेंगे, तब और भी चीजें क्लियर होने वाली हैं आपकी। नेक्स्ट बात, तो ये एक यूनिट बच्चा आपकी चेंज हुई, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनिट प्लांट मैनेजमेंट से एग्रोफोरेस्ट्री है, ये प्लांट को मैनेजमेंट, एग्रोफोरेस्ट्री कैसे मैनेज किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, लॉपिंग हो गई, ये सब सिस्टम इसके अंडर है। देखो अगेन डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये तो यार आप दे रहे हैं, दैट इज द एक्सपीरियंस। बच्चा बोलते हैं सर बहुत ज्यादा खेच ले जाते हैं, बहुत दिन से होता है, अरे बच्चा समझो है ना, बातें ये हो जाता है क्योंकि या तो इसलिए मैं तीन टीचर रखता हूँ मिनिमम, तब एक नेट, और तभी यार ज़ारेप ऑल इंडिया टॉपर तभी आएगा ना, है ना। ओवरव्यू अगर करने से ऊपर ऊपर एक आदमी, एक बच्चा मुझे अभी जनरली मैंने देखा था, अरे सर पर भी तो बहुत आपकी फीस होती है। सही कह रहे हो यार, क्या ही बता सकता हूँ, 30 स्टूडेंट आपने ज्यादा ज्यादा है ना ऑफर में दे दिया। मैंने पहले तो हमने 3-4 हज़ार में दे देते थे, जो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, इसलिए चलो ठीक है मैं कभी कभी इसकी क्लासेस ले लिया करूंगा, जो बहुत टाइम पहले की बात है, उन बच्चों को भी रिवाइज फिर से दे रहे हैं। लेकिन अब 10,000 दे दिया, 3 लाख अगर आपसे, जो मेरे पास सर्विस का काट के 50% भी नहीं बचता, 1.5 लाख भी नहीं बचते, 150 लेक्चर, 125 से 150 लेक्चर होते हैं, मैं अपने पास तो जीरो भी नहीं बचेगा, मेरे पास तो ना माइनस में है। दो मेंटर्स जो आपको करवा रहे हैं ना, वो हाई, जो प्रोफेसर यार एफआरआई का है वो क्या समझते हो कि नॉर्मल पे आएंगे क्या, बट खुद का ख्वाब है, ड्रीम है, वहां तक ले जाना अपना एक है ना, वो एक ड्रीम होता है, दैट इज द रीजन। नेक्स्टली चल लेते हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्सटेंड कॉज ऑफ लैंड है ना, जिसमें हम ये कहते हैं वेस्टलैंड पार्ट आ गया, डिफरेंट है ना इकोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, वेस्टलैंड आ गया, गम रेजिन प्रोडक्शन आ गया, बम्बू एंड अदर पार्ट आ गया। अदर बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट मैंचुरेशन के अंडर पार्ट आ गया, डिफाइन ऑब्जेक्टिव स्कोप बार्क एंड ऑल, ये हमारा मेजरमेंट वाला। देखो दो यूनिट है, एक ये है और एक हमारी 7th-8th यूनिट आएगी, जो बहुत सारा कॉमन है, एक ही मतलब बात एक ही कुछ अलग कह रहा है, लेकिन एक साथ में जब हम बात कर रहे हैं ट्री की हाइट की तो एक साथ ही करेंगे ना यार, थोड़ा उधर नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए हाँ कॉमन है। बायोमास है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाता, आपका ऑलमोस्ट मैंने 80% ये यूनिट करवा दिया है, बाकी मैंने कहा विद प्रैक्टिकल करवाऊंगा, कभी एक बार मौका मिल जाए मुझे है ना प्रैक्टिकल एक गुड प्रोफेसर के साथ में, कि किस तरह से इसको मेजर किया जाता है, आपका जिंदगी में पिक्चर बन जाए, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट को ले जाकर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ सिल्वीकल्चर, पूरा सिल्वीकल्चर यूनिट है आपका, बात कर लेते हैं सीड कलेक्शन, इसमें थोड़े से चेंजेस आपको कहीं कहीं किए गए हैं, ये डिजीज भी इसी में, इरीगेशन भी इसी के अंडर आ जाता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कोप कॉन्सेप्ट, नॉर्मल फॉरेस्ट रोटेशन क्या होता है, ग्रोविंग स्टॉक क्या होता है, रेगुलेशन इन ऑल, सब इसी यूनिट में आ जाते हैं। आपका ट्री का इंप्रूवमेंट अभी ये यूनिट आपका स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें है ना फर्स्ट यूनिट को, और ये कौन सा है यूनिट बच्चा, 9th यूनिट, दोनों आपकी टच करती हैं है ना, इसीलिए ये दोनों साथ यूनिट साथ साथ में होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 10, फॉरेस्ट बायो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, यही कहें मैं इकोलॉजिकल क्या इकोनॉमिक प्रोडक्शन का है ना, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, टिम्बर प्रोडक्शन होता है, गम प्रोडक्शन होता है, मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्शन होते हैं, और फ्यूल वुड एंड ऑल प्रोडक्शन होता है, उनका कैसे हम इंडस्ट्री, कटेज इंडस्ट्री, गम, ये सब कुछ, एडिबल ऑयल एंड ऑल, डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन बेस्ड प्रोडक्शन को ही टारगेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द ट्री एंड स्टैंड,
वही आपका मेजरमेंट आ गया डायमीटर। मैंने कहा था ना कि यार दो यूनिट्स बीच में साथ साथ में मतलब कॉमन यूनिट है वही गर्थ हाइट फॉर्मूला, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे हद तक अलग हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंजेस। जी पूरा यूनिट क्लाइमेट बेस्ड ही यूनिट है, चाहे वो क्लाइमेट बेस्ड डिजास्टर हो, चाहे फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, ये सभी पूरी के बेस्ट है। ये यूनिट आपका कंप्लीट होने वाला है जो कि डॉक्टर रविंद्र सर करवा रहे हैं, और साथ साथ में वो जेनेटिक्स वाला पार्ट भी, सीट कलेक्शन वाला पार्ट भी आपका करवाएंगे। तो ये बेसिक यूनिट है आपका यार, है ना। थोड़ा सा मैं देखो जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, अब पीजी तो क्या ही करोगे, आप पीजी के बाद ही आए होंगे। जो बच्चे पीएचडी एफआरआई से करना चाहते हैं, उसका बैच भी अभी स्टार्ट हो गया है। एफआरआई से जिनका पीएचडी टारगेट, एफआरआई पीएचडी हो गया, वाईएस परमार से पीएचडी हो गया, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसका जो पूरा सिलेबस है ना कंप्लीट करवाया जाएगा। और कोई बच्चा अगर अगली बार नेट का प्रिपरेशन करना चाहेगा, वो पूरा नेट का, देखो एक बार ज्वाइन किया पूरा नेट का सिलेबस दूंगा, एक पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस दूंगा, चाहे कोई भी मैं कंबाइन देता हूँ, एक बार लेता हूँ ना स्टूडेंट, एक बार देता है ना, तो उसको फिर पूरा देने की कोशिश करते हैं कि वो बार बार नहीं, पीएचडी हो चाहे एसआर, वो कंप्लीट मिलेगा आपको बच्चा, है ना। चलिएगा, चाहे फिर आप कॉलेज एग्जाम दो, एक्स वाई जेड आपको मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि NR25 कोड यूज कीजिए और एक्स्ट्रा इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 3 दिन के लिए है बच्चा। उसके बाद चाहे आप फाउंडेशन बैच में जाए, चाहे एग्रोनॉमी जाए, चाहे अदर किसी बैचेस में जाए, तो आप या फिर ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या क्या ये पोस्ट बच्चा, जस्ट आप नेट की प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है यार, 1117 रिसर्च इंस्टीट्यूट में STO सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसकी पोस्ट आने वाली है, साथ साथ ही तो आएंगी नेट के साथ। नेट ही तो एग्जाम है, कॉमन आपका एक नेट एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, 150 का वो नेट एग्जाम है प्लस 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। हाँ लेकिन अभी 16 कमेटी ने कुछ चेंजेस किए, तो हो सकता है चेंजेस कर दे, तो वो देख लेंगे। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हो गए, एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सेवन आपका 730 रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे ये पोस्टिंग होने वाली, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 400 अराउंड आपकी पोस्ट आने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, एनवायरमेंट पॉलिसी एनालिस्ट, वाटर रिसोर्स मैनेजर, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। गवर्नमेंट में पोस्ट निकलती है, और डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंट लॉयर, ये सब तमाम पोस्ट निकलती है। सोयल एंड वाटर कंजर्वेटर, सोयल वाटर फूड सेफ्टी ऑफिस इंजीनियर हो गया, ये तमाम पोस्ट आप इसके लिए इलिजिबल हो। गवर्नमेंट एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट चाहे मैं बात, एनवायरमेंट डेटा एनालिस्ट, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, एनवायरमेंट डेटा साइंटिस्ट, या मैं बात करूं बच्चा कंजर्वेटर साइंटिस्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्पेशलिस्ट, एंड कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेस मैनेजर, या और तमाम पोस्ट है यार, एनवायरमेंट लॉयर, एनवायरमेंट ऑडिटर, एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, एनवायरमेंट कम्युनिकेटर, तमाम। इसके अलावा बहुत सी पोस्ट है जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो। रिसेंट पोस्ट अभी आने वाली है, और जो भी पोस्ट आती है, जैसे अभी झांसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई थी, तो तमाम पोस्ट आने आती है। रावस इंस्टीट्यूट की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वहां से भी अपडेट होते हो, टेलीग्राम चैनल रावस एग्री एंड फॉरेस्ट्री के नाम से है, आप वहां जाके भी, या फिर दिए गए नंबर पे 8949 8454 33 पे कॉल या मैसेज कर लीजिए, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। रावस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल की एप्लीकेशन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे वैसे ही आपको अपडेट मिलेंगे। जल्द ही आपके लिए एवरी सैटरडे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं, जो कि है कहाँ एग्जाम्स अपॉर्चुनिटी फॉरेन में क्या है, जो जिसमें एक्सपर्ट हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट की बात करें हम, रजिस्ट्रार साहब की बात करें, या तमाम जितने भी एक्सपर्टीज हैं, उनको अब आपके सामने लाने वाले हैं जल्दी ही रावस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए इतना ही, ये सिलेबस नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन स्टूडेंट को नेट प्रिपरेशन करनी है, ZRF करना है, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट rawsinstitute.in पे जा सकते हैं, रावस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस देन रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी, कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स एंड ऑल टेस्ट सीरीज,
और आपको बुक्स, लेकिन बुक्स थोड़ा लेट होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। अभी अगर जिसने ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन उसमें लगने वाले हैं। देखो बेस्ट और बेस्ट होता है, दैट इज द रीजन। ऑनलाइन में बुक्स बहुत रेयर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक रिविजन के लिए, बाकी आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सीधी सी बात यह है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।